मेरे साथ बोलिए भारत माता की। अरे भाई क्या हो गया है आप लोगों की आवाज को? तेलंगाना के निजाम को बदलना है या नहीं बदलना है? जोर से बोलो, बदलना है या नहीं बदलना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बंडी संजय कुमार जी, हमारे प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव श्री तरुण चुग जी, मेरे मित्र और केंद्र के पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री भाई किशन रेड्डी जी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन डीके अरुणा जी, डॉक्टर के लक्ष्मण जी, हमारे वरिष्ठ नेता तेलंगाना के ही श्री पी मुरलीधर राव जी, श्रीमान सुधाकर रेड्डी जी, श्री जितेंद्र रेड्डी जी, श्रीमती विजया शांति जी, श्री अटेला राजेंद्र जी, श्री टी राजा सिंह जी, श्री धर्मपुरी अरविंद जी, डॉक्टर जी मनोहर रेड्डी जी, और आज परिवर्तन की इस प्रचंड सभा के अंदर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज मैं कई दिनों से हमारी यात्रा को फॉलो कर रहा हूं। मैंने अभी पंडित संजय कुमार जी का भाषण सुना, मुझे लगा कि मुझे आने की कोई जरूरत नहीं है, केसीआर को हटाने के लिए संजय कुमार अकेला काफी है। भाइयों बहनों, ये यात्रा एक पार्टी को निकाल कर दूसरी पार्टी को बिठाने की यात्रा नहीं है। ये यात्रा किसी को मुख्यमंत्री बनाने की यात्रा नहीं है। ये यात्रा कोई राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की यात्रा नहीं है। ये जो यात्रा है, ये तेलंगाना के दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग के लोग, किसान, महिला और युवा के कल्याण की यात्रा है। ये यात्रा हैदराबाद के निजाम को बदलने की यात्रा है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? तेलंगाना में निजाम बदलना है या नहीं बदलना है? जोर से बोलिए, बदलना है या नहीं बदलना है? ये यात्रा उनको श्रद्धांजलि की यात्रा है जिन्होंने रजाकारों से अपने तेलंगाना राष्ट्र को मुक्त कराकर भारत मां के आंचल में लाने का काम किया था। ये यात्रा उनके खिलाफ है जो आज भी रजाकारों के प्रतिनिधि की गोदी में बैठे हैं, उनके खिलाफ। ये यात्रा उस मानसिकता के खिलाफ है जो परिवारवाद को चलाती है, मेरे बाद मेरा बेटा, बेटा ना बने तो बेटी, ये बात लोकतंत्र के अंदर जो प्रस्तापित करना चाहते हैं, इसके खिलाफ है यात्रा। ये यात्रा अरबों खरबों का भ्रष्टाचार करने वाली टीआरएस पार्टी को उखाड़ कर फेंकने की यात्रा है। ये यात्रा दलितों और आदिवासियों के साथ वादा खिलाफी करने वाली टीआरएस पार्टी को उखाड़ फेंकने की यात्रा है। और ये यात्रा
तेलंगाना विमोचना दिन को मनाने का वादा करकर मजलिस के डर से डर जाने वाले मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव को उखाड़ कर फेंकने की ये यात्रा है मेरे। और इसीलिए मैं यात्रा के अंदर आया हूं। मैं जब यहां आया हूं तब पूरे देश की ओर से, पूरे तेलंगाना राष्ट्र की ओर से हमारे प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रणाम करकर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, जिनके कारण आज ये राज्य, ये राष्ट्र भारत मां का अंग है। आज मैं स्वामी रामानंद तीर्थ, पंडित नरेंद्र, सुरावरम प्रताप रेड्डी, श्री दशरथी रंगाचार्य और पीवी नरसिम्हा राव को भी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, ये यात्रा में धूम धकती धूप के अंदर 45 किलो डिग्री टेम्परेचर के अंदर लगभग 760 किलोमीटर पैदल चलकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने तेलंगाना की पग पग भूमि को पैर से नापने का काम किया है। और जब ये समाप्त होगी तब 2500 किलोमीटर की पैदल यात्रा समाप्त होगी। मित्रों, आज हमने इस प्रजा संग्राम यात्रा में भाग लेने के लिए एक मिस कॉल सबको देना है। मैं जोर से बोलता हूं, सभी लोग अपना मोबाइल निकालो, जरा मोबाइल निकालिए जिनके पास मोबाइल है। अरे यार निकालो, हाथ ऊपर करो, जरा निकाला सबने? मैं नंबर बोलूं? पक्का? दो बार बोलूंगा, 6 3 5 9 1 1 9 1 1 9। अब दबाइए बटन, हो गया मिस कॉल। बंडी संजय कुमार को आपका समर्थन मिला है मित्रों, और ये लाखों लाखों जो मिस कॉल मिलते हैं वो हमारा हौसला बढ़ाते हैं। 2019 के चुनाव में तेलंगाना की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट दी, 2 सीट हम बहुत नजदीकी मार्जिन से हारे हैं, मगर उसके बाद हैदराबाद नगर निगम का चुनाव हुआ हो, चाहे 2 उपचुनाव हुए हो, हर जगह पे आपने भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने का काम किया है। मित्रों, आज मैं तेलंगाना की जनता को याद कराने आया हूं, यही चंद्रशेखर राव। तेलंगाना की रचना के वक्त उन्होंने वादा किया था, निल्लू निदुलू नियमकालू, कुछ पूरा हुआ है क्या? अरे भाई जोर से बोलो, कुछ पूरा हुआ है क्या? कुछ पूरा हुआ है क्या? मैं आज आपको कहकर जाता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, निल्लू निदुलू और नियमक कालू का वादा हम पूरा करेंगे भारतीय जनता पार्टी की राज्य। जल भी मिलेगा, पर्याप्त बजट भी मिलेगा और रोजगार भी युवाओं को मिलेगा। युवाओं ताली बजाइए जोर से, युवाओं को रोजगार केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। मित्रों, आज मैं याद कराने आया हूं, चंद्रशेखर राव जी आप सचिवालय में सेक्रेटरिएट में तो जाते नहीं है, युवाओं इनको किसी तांत्रिक ने कहा है अगर सेक्रेटरिएट में गए तो सरकार चली जाएगी,
ओ चंद्रशेखर राव जी कान खोलकर सुन लो, सरकार जाने के लिए कोई तांत्रिक की जरूरत नहीं है, मेरा तेलंगाना का युवा आपकी सरकार को उखाड़ कर फेंक देने वाला है। क्योंकि आपने वादा किया था हर बेरोजगार को बेरोजगारी का भत्ता दिया जाएगा, युवाओं मिला है जरा बताइए मिला है भाई? आपने कहा था किसानों का कर्ज 1 लाख रुपए तक माफ करेंगे, कोई किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ।